मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास अब चूंकि मुद्दे नहीं रहे और उनके समझ में आ गया कि इस देश की 130 करोड़ जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में इस विकास यात्रा को आगे ले जाना है, और इसलिए तरह तरह के नए बहाने भी ढूंढते हैं, नए मुद्दे भी उठाते हैं, और कभी कभी असम में दूसरी जगहों पे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों में वोटरों की तलाश करते हैं। चार किलिंग्स हुई कल डॉक्टर साहब यहाँ पे ईद के मौके पर, बीजेपी का एक नेता भी था। हमें विश्वास है कि नए राज्यपाल जिस प्रकार से उन्होंने अपना पदभार संभाला है और एक उत्साह सारी जनता में है, तीनों संभागों में, जम्मू में, कश्मीर घाटी में और लद्दाख में, इससे निश्चय ही सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक नई पहल का भी अवसर रहेगा और एक नया विश्वास जागने की भी उम्मीद है। सबसे पहली बात तो यह है कि जहां तक पंचायती चुनाव का संबंध है, यदि हमने जमीनी स्तर पर जमहूरियत और प्रजातंत्र कायम करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो वो अधूरी रहेगी जब तक स्थानीय इकाइयों के चुनाव ना हो। ये बात बड़ी स्पष्ट और वाजे हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ एक ऐसे अनासर, कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पिछले 20-25 वर्ष में एक खला में, एक वैक्यूम में अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कला पर महारत पा ली है। वो निश्चय नहीं चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर का आम आवाम, आम युवा कितना जागरूक है, कितना एस्पिरेशनल है, इसका सबूत, इसका प्रमाण इस बात से जाहिर है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार मेरिट लिस्ट में और टॉपर्स में सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षा में कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित जिलों के बच्चे आते हैं। इस वर्ष भी आईआईटी जेईई में 38 बच्चे यहां से उत्तीर्ण होकर गए हैं कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित जिलों से। नीट में लगभग 50 बच्चे। मुझे कभी कभी ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि कश्मीर के आम नौजवान की एस्पिरेशन दूसरे हिस्से के लोगों की तुलना में या देश के दूसरे युवाओं की तुलना में कहीं अधिक है, और वो देश की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अनेकों अद्भुत अवसर नौजवानों और अफसरों के लिए उपलब्ध हुए हैं, उसके उससे अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता, और हमारा ये फर्ज है कि हम उसको पूरा मौका दें। अदालत में, कचहरी में जो विषय है, जो मुद्दा है, उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मोटे तौर पर, लेकिन ये कहने में भी मैं कोई संकोच नहीं करूंगा कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों का ये इतिहास रहा है कि कभी भी नारी को एक समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं रहे। इक्वालिटी ऑफ राइट फॉर वुमेन, आपने देखा होगा सदन में इन्होंने ट्रिपल तलाक के बिल की मुखालफत की, उसका विरोध किया, और जम्मू कश्मीर में बेटियों को जमीन जायदाद का हक मिले, उसकी भी ये मुखालफत करते हैं। भाजपा कभी तोड़ मोड़ की राजनीति नहीं करती, ये तो गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव रहता है। गवर्नर रूल की घोषणा भी गवर्नर साहब के जायजे से हुई, राज्यपाल के जायजे से, और आगे का जो भी घटनाक्रम रहेगा, राज्यपाल शासन में राज्यपाल ही सरकार के मुखिया हैं, उन्हीं का जो जायजा होगा, जो अप्रेजल होगा, जो उनके निष्कर्ष एवं कंक्लूजन होंगे। चिंता का विषय तो कोई भी हत्या है वो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर का आम आवाम, खासतौर आम नौजवान, देश के दूसरे हिस्सों की तरह मोदी जी के इस न्यू इंडिया की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है, और इसीलिए ये 30-35 वर्ष से जो लोग, जैसे मैंने कहा, इस खला और वैक्यूम की राजनीति में पनप रहे थे, वो अपने आप को गैर महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं तेरे तो ये भी कहने में भी मुझे कभी संकोच नहीं रहा कि ये जो मिलिटेंसी है, ये भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुका है। बहुत से ऐसे अनासर हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे तत्व हैं, सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, खबर अच्छी सुर्खी बनती है, जो चाहते ही नहीं कि यहाँ मिलिटेंसी का खात्मा हो, लेकिन आम आदमी, आम नौजवान दोनों, मिलिटेंसी हैज डेवलप्ड इनटू अ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड हैज बिकम अ कोलिजन ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट बोथ इन द सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट लॉबी और इवन इन द सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम लॉबी, बिकॉज दे हैव लर्न टू सर्वाइव इन दिस एटमॉस्फेयर ऑफ मेहम, बट द आम, द कॉमन पीपल ऑफ कश्मीर, द कॉमन यूथ ऑफ कश्मीर हैज मूव्ड ऑन, एंड दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज।